नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आप सुखी रहे, संपन्न रहे, इसके लिए मैं आपको ढेरों 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 उपाय बताती रहती हूँ। कुछ आप कर पाते हैं, कुछ आप नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, जो कर पाते हैं उस पर पूरा विश्वास रखें। आज जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को दोस्तों यदि आप करते रहे, आपके घर में सोना बरसेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, पुराने जमाने में जो महिलाएं थी वो सोने के दागिने में हल्दी लगाया करती थी। हल्दी, शायद उन्हें पता नहीं था कि हल्दी लगाने से क्या होता है। शायद उन्हें बता दिया गया था कि हल्दी लगाएं, लेकिन जो भी उन्हें बताते थे, जो उनसे भी बड़े थे, उन्हें पता था कि सोने के दागिने में हल्दी लगाने से क्या होता है। शादी के समय जो अविवाहित जो होते हैं लड़के लड़कियां, शादी के समय उन्हें जो हल्दी की रस्म की जाती है, किसी कितने को इसका इसके पीछे का विज्ञान पता है, इस रस्म के पीछे का जो ज्ञान है वो पता है, कितने को नहीं पता है। तो आप देखना, आपकी लाइफ में हल्दी बचपन से कि बुढ़ापे तक हल्दी रहती है। हल्दी क्यों है? हल्दी माता लक्ष्मी का रूप है। बिना लक्ष्मी की कृपा के इंसान जी नहीं सकता है, उसके जीवन में कुछ रहता ही नहीं है, लाइफ बेनूर हो जाती है। मैंने एक पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि अच्छे दिनों में हमेशा घर के तीन चीजों में, झाड़ू, सिलबट्टन और सूपा, इन तीन चीजों में हल्दी अवश्य लगाएं। अभी दोस्तों करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ में भी बिना भूले इन तीन चीजों में हल्दी जरूर लगा देना। इन चीजों में हल्दी लगा देने मात्र से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरती है। पूनम के दिन मैंने बताया था कि ये जो आपका शुक्र का शुक्र है, जहां आपकी हथेली पर, उस पर हल्दी घिसे, जिससे आपके शुक्र मजबूत बनते हैं, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती है। एक चीज और नोटिस करना दोस्तों, कि गुरुवार के दिन आप जिस काम को करेंगे वो काम आपकी लाइफ में रिपीट होता रहता है। तो जब भी आप सोना खरीदने के लिए जाएं, कोशिश करें कि गुरुवार के दिन जाएं। यदि आपको कोई तकलीफ है शरीर में, जैसे आपको कोई ब्लड रिपोर्ट निकलवाने जानी है, आप आज एडमिट होने जा रहे हैं, आप किसी चीज के लिए दवाई लेने जा रहे हैं, तो गुरुवार का दिन टाल देना। गुरुवार के दिन जाएंगे तो आपको बार बार वही काम करना पड़ेगा। तो गुरुवार के दिन दोस्तों ये छोटा सा काम है, आपके पास जो भी सोने का दागिना हो उस पर हल्दी जरूर घिसे। सोने का जो भी आपके पास दागिना हो उस पर गुरुवार के दिन बिना भूले हल्दी घिसे और कुछ देर के लिए उसको हल्दी के पानी में रखें। हर गुरुवार यदि आपने इस उपाय को करना शुरू किया, आपको खुद अनुभव होने लग जाएगा कि हल्दी सोने के दागिने में घिसने से आपके घर में प्रचुर मात्रा में सोना आना शुरू हो जाएगा। जो हल्दी बचती है उसे किसी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे मत डालना। जो भी अच्छे हरे भरे हो, कोई फूल का पौधा हो, पीपल का पेड़ हो, फल का पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे आप हल्दी डाल दो। कहीं जगह ना मिले तो घर की उत्तर दिशा में उस हल्दी को डाल दो। बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके घर में सोना ही सोना होगा। करके देखो। जय श्री कृष्ण।